हेलो स्टूडेंट, यूनिट 2 लेसन 2.8 रीडिंग टाइम। ओके, क्वेश्चन ए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मैच देम विद देयर पिक्चर्स। यहाँ पे बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हैं, उनको हमें रीड करना है और कुछ पिक्चर्स दिए हैं उनके साथ मैच करना है। स्टूडेंट्स, आप जानते हो ये पिक्चर कौन से हैं? मालूम है आपको? कौन बताएगा? ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये साज हैं। जैसे कोई गाना गाता है, उसके जो गाने के बोल रहते हैं, आवाज़ रहती है, जब वो कोई गुनगुनाता है तो उसके साथ में ये म्यूजिक बजता है। तो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, सबका जो साउंड है डिफरेंट रहता है। जैसे तबले का अलग रहता है, हारमोनियम का अलग रहता है, पियानो का अलग रहता है। ओके, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गाना गाएंगे तब इनका यूज़ होता है। देखा ना आपने टीवी में, बच्चे लोग गाना गाते साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बड़े बड़े सिंगर भी गाते हैं। आप भी कभी देखो स्टेज में परफॉर्मेंस करते स्कूल में, तभी भी म्यूजिक बजाते हैं ना बड़े बच्चे आपके साथ। ओके, सो नाउ वी सॉल्व मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वर्ड इज देयर हारमोनियम। क्या यहाँ पे वर्ड्स? हारमोनियम, स्पेलिंग इज HARMONIUM, हारमोनियम। हारमोनियम, वेयर इज हारमोनियम? सो मैच करेंगे ये हारमोनियम। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज तबला। वेयर इज तबला? मैच देम, वीणा, नेक, मृदंग। ये कैसा रहता है? ढोलक के जैसा ही होता है ये। ढोलक देखे ना, ढोलक के जैसा रहता है, थोड़ा ये बड़ा रहता है। और इस ढोलक की आवाज़ से जो इसका आवाज़ है बहुत जोर से रहता है, अलग रहता है थोड़ा। पियानो, पियानो इज देयर फ्लूट। सिंबल्स, ओके, हारमोनियम मैच किया आपने, तबला, वीणा, मृदंग, पियानो, फ्लूट, सिंबल्स। इनके आपको स्पेलिंग बाय हार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर बी क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड। सेंटेंस को जोर से पढ़ना है। फर्स्ट सेंटेंस इज VISHAL, विशाल। विशाल क्या है? नेम है, एक नाउन है। जैसा आपका नाम है वैसे ही विशाल का नाम है। विशाल प्लेज, PLAYS प्लेज द। कौन सा पिक्चर है ये? अभी मालूम पड़ा आपको? यहाँ पे पिक्चर दिया है, इमेजेस दिए हैं, आपको उसका नाम बोलना है। ओके, विशाल प्लेज द हारमोनियम वेल, WELL, वेल। विशाल क्या करता है? हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता है। HE CAN, कैन, एन नोटी, नॉट, कैन नॉट प्ले द वायलिन। VIOLIN, वायलिन। लेकिन वो हारमोनियम तो अच्छा बजाता है, वायलिन अच्छा वायलिन नहीं बजाता है। सेकंड, संजना, SANJANA, संजना प्लेज द तबला वेल। संजना जो है तबला, पिक्चर देखो, तबले का पिक्चर है। एक साइड में ये रखा होता है नीचे कपड़े के ऊपर, विन्नू बनाया होता है ऊपर से, एक ही साइड में दोनों हाथों से ये बजता है। संजना प्लेज द तबला वेल। संजना जो है तबला बहुत अच्छे से बजाती है। शी, SHE, शी
शी कैन नॉट प्ले द पियानो, वो पियानो नहीं बजाती है। ओके, देखा था ना आपने पिक्चर में पियानो, यू नो। ओके, थर्ड वन शुभम, एस एच यू बी एच ए एम, शुभम। शुभम प्लेज द, क्या है पिक्चर, पियानो, पियानो विल। शुभम जो है प्ले करता है पियानो को बहुत अच्छे ढंग से बजाता है। ही कैन प्ले द हारमोनियम टू, एच ए आर एम ओ एन आई यू एम, हारमोनियम। और वो हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा लेता है। फोर्थ वन, माई मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर, लर्न्स, एल ई ए आर एन एस, लर्न्स वोकल, वी ओ सी ए एल, वोकल, म्यूजिक, एम यू एस आई सी, म्यूजिक। माई मदर लर्न्स वोकल म्यूजिक, जो मेरी मम्मी हैं, मॉम हैं, लिखा है कि वो क्या करती हैं, वोकल म्यूजिक सीखते ही हैं। आप भी सीखते हो ना, जैसा स्टडी ऐसा मम्मी भी, किसी किसी का मम्मी भी कुछ सीखते हैं। इसमें मम्मी लिखा है कि वो वोकल म्यूजिक सीख रहे हैं। वोकल म्यूजिक मीन्स ये इंडिया का म्यूजिक है। ओके, शी, एस एच ई, शी प्लेज द, शी प्लेज द वायलिन, शी प्लेज द वायलिन विना वेन द सिंग, शी प्लेज द वीना वेन द सिंग्स, जब वो गाना गाती है तो वीना बजाती है। ओके, ये क्या है, वीना। फिफ्थ वन, माय फ्रेंड प्लेज द सेम्बल्स, सेम्बल्स इन द स्कूल बैंड। देखो आप स्कूल में कभी पीटी लेक्चर रहता है, जैसा 26 रिपब्लिक डे रहता है, जब कुछ और फंक्शन रहता है, तभी ये बच्चे लोग सैम्बल बजाते हैं। ही कैन नॉट प्ले द मृदंग, वो मृदंग नहीं बजाते हैं, ढोलक जैसा होता है वो नहीं बजाते हैं, ये सैम्बल्स बजाते हैं। सो आई रिपीट अगेन, फर्स्ट सेंटेंस, विशाल प्लेज द हारमोनियम वेल, He cannot play the violin. Second, Sanjana plays the tabla well. She cannot play the piano. Third, Shubham plays the piano well. He can play the harmonium too. Fourth, my mother learns vocal music. She plays the veena when the she sings. Fifth one, my friends play the cymbals in the school band. She cannot play the vedang. Okay. Next, hard words. Read and write. जो हमने पहले words पढ़े हैं musical instruments के, ये वही hard words हैं। आपको ये hard words लिखना है 2 times and ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हैं इनको 2 times हार्ड वर्ड्स राइट करो नोटबुक में। देन नीचे फाइल वर्क दिया है, फर्स्ट राइट द हार्ड वर्ड्स इन द नोटबुक 2 times, रीड एंड राइट। नेक्स्ट फाइल वर्क, फाइल वर्क क्या करना है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं ये भी और भी आप अपना हिसाब से लगा सकते हो, यहाँ फाइल में स्टिक कर सकते हो। क्या स्टिक करना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, माई, सी यू।